नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक और डिस्कशन लेकर के। और आज का मेरा टॉपिक है मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल खर्चों की आयकर में कटौती कैसे क्लेम करें। एक्चुअली क्या है सर कि हम सब कहीं ना कहीं स्वयं को मेडिकली इंश्योर्ड कराने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम एक इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स इसके संदर्भ में हमें क्या डिडक्शन देता है? और यदि कोई व्यक्ति इंश्योर्ड नहीं है और वो मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करता है तो उसको भी उसके द्वारा उठाए गए मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कैसे मिलेगा, ये बात मैं आज की वीडियो के थ्रू आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपके सामने है सर, आयकर अधिनियम की कौन सी धारा कटौती का प्रावधान करती है? बेसिकली सर, सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर या मेडिकल एक्सपेंडिचर के डिडक्शन की व्यवस्था करती है। हालांकि इसके साथ ही साथ सर एक सेक्शन 80DD(b) और है सर, जो विशेष परिस्थितियों में मेडिकल एक्सपेंडिचर के डिडक्शन की व्यवस्था करती है, जिसका डिस्कशन मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा सर, उसे किसी और डिस्कशन के थ्रू आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो आज का मेरा डिस्कशन सर सेक्शन 80D से रिलेटेड है और मैं जो यहां पर बात डिस्कस करने जा रहा हूं वो असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए समान रूप से लागू होगी। तो सर, अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, कटौती किस व्यक्ति को मिल सकती है? तो ये जो सेक्शन है सर 80D, ये एक इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू अविभाजित परिवार, दो प्रकार के व्यक्तियों को ये डिडक्शन देने की व्यवस्था करती है। यानी यदि आप इंडिविजुअल नहीं है और HUF नहीं है तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिल सकता। अब बेसिकली सर, जो बात समझने की है वो ये भी है, जब हम डिडक्शन क्लेम करते हैं तो ये डिडक्शन हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से कम होता है। और यदि कोई डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से कम होता है, जैसे आप लोग ATC के इन्वेस्टमेंट करते हैं, PPF में इन्वेस्ट करना, ट्यूशन फीस का पेमेंट, किसी होम लोन के प्रिंसिपल का पेमेंट, तो ये भी सर एक डिडक्शन है जो आपको इनकम टैक्स लॉ देता है। और इस डिडक्शन का बेसिक बेनिफिट ये है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से यदि आपको कोई खर्चे का डिडक्शन मिल रहा है एज एन इंडिविजुअल या HUF, तो आपको सर उस हद तक इनकम टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। और मैं इसे और उदाहरण से रखूं सर, तो ये कह सकता हूं, मान लीजिए मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख है और मैं एक एलिजिबल एक्सपेंडिचर सर 25,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी पर करता हूं, तो उस 25,000 का मुझे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम में से जैसे ही डिडक्शन मिलेगा, मुझे सीधे सीधे सर 7,500 7,500 का इनकम टैक्स में बेनिफिट होगा। तो एक प्रकार से सर, जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम मैंने 25,000 रुपए दिया, वो सर मुझे 25,000 कहाँ पड़ रहा है, दैट इज 25,000 माइनस 7,500। तो ये एक सब्सटेंशियल टैक्स बेनिफिट है सर जो हम मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू उठा सकते हैं। अब यहां एक प्रश्न सर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, कटौती किस किस प्रकार के भुगतान हेतु मिलती है? तो कटौती सर हमारे को चार प्रकार के खर्चों के संदर्भ में मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्चे और मेडिकल के खर्चे। तो सर पहला पॉइंट तो बड़ा सरल है, यदि आपने किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कोई मेडिकल इंश्योरेंस के संदर्भ में प्रीमियम का भुगतान किया है तो वो प्रीमियम सर आपके लिए सेक्शन 80D में डिडक्टेबल होगा। यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अनुसार कोई कंट्रीब्यूशन किया, ज्यादातर केंद्र सरकार के कर्मचारी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको सर 80D में डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्चे का मतलब क्या है सर, आप स्वस्थ हैं परंतु आप रेगुलरली अपना समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते हैं, कोई एग्जामिनेशन कराते हैं, उस हेल्थ चेकअप से रिलेटेड रिपोर्ट्स ऑब्टेन करने में जो आपका खर्चा होता है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। और लास्ट सर जो बात यहाँ पर है वो है कि मेडिकल खर्चे का डिडक्शन भी आपको मिलेगा, परंतु सर जहाँ तक मेरी समझ है मेडिकल खर्चे का डिडक्शन हर असेसी को यहाँ नहीं मिलेगा, केवल सीनियर सिटीजन असेसीज के संदर्भ में मेडिकल खर्च के डिडक्शन का प्रावधान ये करता है। हाँ, रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, इट मे बी शुगर, इट मे बी BP, इट मे बी एनी काइंड ऑफ डिजीज, नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पर स्पेसिफाइड डिजीज वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एज अ सीनियर सिटीजन आपके ऊपर कोई मेडिकल खर्चा होता है तो आपको इस सेक्शन में एक विशेष डिडक्शन की बात यहां पर की गई है। अब सर जो डिडक्शन इस सेक्शन में मिलता है वो डिडक्शन मिलता है यदि आपने स्वयं के लिए या आपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्चा किया है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, एक HUF को भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिडक्शन मिलता है,
तो यहां पर सर एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी आती है परिवार। परिवार से मतलब क्या है, तो मैंने आपके सामने लिखा सर, इंडिविजुअल के केस में परिवार का मतलब है जीवन साथी यानी असेसी का स्पाउस, या असेसी के ऊपर निर्भित बच्चे यानी डिपेंडेंट चिल्ड्रन। से फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे, मैंने हम चार जनों के लिए मिल करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, और वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने ली है उसका महीने का या साल का मैं मान लेता हूँ 12,000 रुपये प्रीमियम आता है। तो सर वो पर्टिकुलर प्रीमियम जो मैंने खुद के लिए और मेरे परिवार के लिए इंश्योरेंस ऑब्टेन करने के संदर्भ में पे किया है वो सेक्शन 80D में डिडक्टेबल होगा। सर HUF के केस में जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि HUF के केस में परिवार के कोई भी सदस्य, सो HUF एक बड़ी एंटिटी है सर, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, मेंबर्स भी हैं, को पार्टनर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक HUF का मुखिया हूं जिसमें मेरे दो बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, ठीक है, मेरे बच्चों की जीवन साथी यानी स्पाउस कवर्ड हैं। तो मैंने यदि इन सब के लिए कंसोलिडेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी HUF की ओर से ली है तो भी सर मेरे को उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी के संदर्भ में डिडक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मिलेगा। अब ये स्लाइड देखिएगा सर आप मेरे साथ, कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये बता रही है कि इंडिविजुअल हेतु कटौती की अधिकतम सीमा क्या है। इस पर कंफ्यूजन रहता है सर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको आपके सामने रखने की कोशिश करूं। देखिए मैंने सर करदाता का प्रकार, ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज करी है, मैंने चार कैटेगरी यूज करी है सर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम या CGHS का अंशदान, तीसरा मेडिकल का खर्चा, और चौथी कैटेगरी में कह रहा हूं आपको अधिकतम कटौती कितनी मिलेगी। तो मेरा पहला कैटेगरी है सर ए, जिसमें मैं कह रहा हूं यदि करदाता वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन वो है सर जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 60 इयर्स की एज पर आ चुका है, चाहे 1 अप्रैल को, चाहे 31 मार्च को, चाहे इन बिटवीन। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्चा किया है सर, आपको 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है सर ये। और यदि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली और मेडिकल एक्सपेंडिचर किया तो भी आपको 50,000 का खर्चा मिलेगा डिडक्शन। लेकिन मान लीजिए आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर 50,000 नहीं करके 30,000 किया है तो आपको 30,000 मिलेगा। मैं दो बात यहां क्लैरिफाई करने चाहता हूं सर, आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप मेरे पहले उदाहरण में एक सीनियर सिटीजन हैं और आपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आपको सर 50,000 रुपये तक के प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा। यदि आपने इंश्योरेंस ही नहीं लिया परंतु आपके स्वयं के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर हुए हैं एज अ सीनियर सिटीजन तो सर आपको 50,000 रुपये तक के मेडिकल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। यानी आपके एक्चुअल खर्चे मान लीजिए 20,000 हुए हैं तो आपको 20,000 का डिडक्शन मिलेगा। हाँ, टोटल मिलाकर के सर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले लें प्लस आप इंश्योरेंस का प्रीमियम ले लें, या आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले लें और मेडिकल के खर्चे ले लें, 50,000 से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आता हूं सर मेरी दूसरी कैटेगरी पर। यदि आप एज एन असेसी सीनियर सिटीजन नहीं है यानी आपकी एज रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 60 ईयर्स नहीं पहुंची थी, उससे कम है, तो सर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर 5,000 का डिडक्शन मिलेगा और इंश्योरेंस के लिए आपको 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और इंश्योरेंस दोनों मिलाकर के आपको 25,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन सर मैंने जैसे पहले कहा था वहां इस बात को फिर रख रहा हूं, यदि आप सीनियर सिटीजन असेसी नहीं है और आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है खुद के लिए या परिवार के लिए तो सर आपको बाय डिफॉल्ट कोई पर्टिकुलर मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अब देखिएगा सर आप तीसरी कैटेगरी, यदि करदाता के माता पिता वरिष्ठ नागरिक हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा बात हो रही है सर, और लॉ दो चीजों का डिडक्शन आपको देने वाला है, आपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए। परिवार में कौन आएगा? स्पाउस और आप पर डिपेंडेंट बच्चे, उनके लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया, उसका खर्चे का डिडक्शन आपको मिल रहा है 50,000 25,000 एज द केस में भी। अब सरकार कह रही है आप अपने माता पिता का भी ध्यान रखते हैं, आप लायक बच्चे हैं और आपने माता पिता के संदर्भ में भी सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्चा किया है तो आपको 5,000 का डिडक्शन वहां मिलेगा। यदि आपने माता पिता के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आपको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मिलेगा, और यदि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, वो सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 का डिडक्शन
एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं सर, मेडिकल ट्रीटमेंट कौन से रोग का होगा ये लॉ ने स्पेसिफाई नहीं किया है, परंतु हां सर आपको टोटल 50,000 रुपए का डिडक्शन इस कैटेगरी में भी एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर एंड अबव जो ऊपर मैंने 50,000 या 25,000 डिस्कस किया। मैं इसको फिर समराइज करूंगा सर एक उदाहरण से। मैं एक बार पहले लास्ट कैटेगरी पर चलता हूं सर। यदि करदाता के माता पिता वरिष्ठ नागरिक नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए एक एसएससी जिसकी एज 20 साल है, ठीक है, वो अभी अभी नौकरी में लगा है, वो स्वयं का भी मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है, अपने पेरेंट्स का भी दे रहा है सर, तो उसको खुद के मेडिकल इंश्योरेंस का भी डिडक्शन लेना है, पेरेंट्स का भी लेना है। मान लेता हूं उनके पिताजी की या माताजी की आयु लगभग 45 से 50 साल के बीच में है, तो ठीक है, उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर 5,000 डिडक्शन मिलेगा, पेरेंट्स के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, परंतु क्योंकि पेरेंट्स की एज अभी 60 ईयर या अबव नहीं हुई है तो मेडिकल खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सर उसको 25,000 रुपए का डिडक्शन पेरेंट्स के संदर्भ में भी मिलेगा। तो कहने की मतलब यह है सर, आपको डिडक्शन का जो क्वांटम है वो 25,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का हो सकता है। 25,000 तो तब जब आप स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए खर्च कर रहे हैं और आप सीनियर सिटीजन नहीं है। यदि आप सीनियर सिटीजन है स्वयं के लिए अपने परिवार के लिए खर्च कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। यदि आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है और आपने अपने सीनियर सिटीजन परिवार के लिए, सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए भी खर्चा किया है, तो आपको सर 50,000 रुपए तक का डिडक्शन माता पिता के लिए और 25,000 का डिडक्शन स्वयं के लिए, यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 75,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। आप स्वयं भी सीनियर सिटीजन है, आपके माता पिता भी सीनियर सिटीजन है, तो आपको सर 1,00,000 रुपए तक का डिडक्शन ये सेक्शन दे सकता है। तो 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, ये चार लिमिट सर इस सेक्शन में आ सकती है बिकॉज ऑफ यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग और यू इनकरिंग द स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर। मैं सर उदाहरण से आपके सामने इसी पर्टिकुलर डिस्कशन को रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए सर करदाता ए जिसकी उम्र 38 साल है, उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर 3,500 खर्च कर दिया सर, 15,000 रुपए का उसने इंश्योरेंस प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, मेडिकल खर्चे 10,000 की है। सर ये मेडिकल खर्चे तो अलाउ होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 38 साल है, तो सर उसको ये 3,500 और ये 15,000 टोटल 18,500 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए दूसरे एसएससी पे चलते हैं, एसएससी बी। इसकी उम्र 65 साल है, सीनियर सिटीजन एसएससी है, 7,500 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्च किया है, 27,500 रुपए एसएससी ने सीजीएचएस पर कंट्रीब्यूशन किया है, 104,500 उस एसएससी ने मेडिकल एक्सपेंडिचर पर क्लेम खर्चा कर लिया है। अब सर प्राइमा फेसाई 7,500 प्लस 27,500, ठीक है, टोटल यही दो जने क्वालिफाई होंगे, यही दो आइटम क्वालिफाई होंगे, तो दिस टोटल मींस 35,000। तो सर एसएससी क्योंकि सीनियर सिटीजन है और अपर लिमिट उसकी 50,000 है, 35,000 रुपए का डिडक्शन एसएससी को मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, सर आपने ये वाला 104,500 में से 50,000 क्यों नहीं लिया, एसएससी को फायदा हो जाता। तो लॉ ये कहता है सर जिसने इंश्योरेंस नहीं ले रखा उसको यहां 50,000 मेडिकल खर्चे का मिलेगा। तो सर एसएससी को यहां इंश्योरेंस करने के बावजूद भी खर्चा और हुआ है पर यह खर्चे का डिडक्शन एसएससी को नहीं मिलेगा। चलिए तीसरे एसएससी का केस देखिए सर, जिनकी उम्र 69 साल है यानी ये भी सीनियर सिटीजन है, 9,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्चा किया, इंश्योरेंस प्रीमियम इनका जीरो है सर और इन्होंने 55,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंडिचर पर कर दिया, तो सर इनको टोटल मिलाकर के 50,000 रुपए मैक्सिमम का डिडक्शन इस सेक्शन 80D में मिलेगा। अब ये अगला उदाहरण में सर आप दोनों को जोड़ के देखिएगा सर, डी ने खुद के लिए और डी ने अपने पेरेंट्स के लिए खर्चा किया है। डी की खुद की आयु 29 साल है और उसके पेरेंट यानी माताजी या पिताजी की आयु मैं मान लेता हूं 61 साल है। तो डी ने सर खुद के ऊपर 4,000 प्लस 21,500, 4,000 प्लस 21,500 दो खर्चे किए सर, तो इसको टोटल यहां पर मैक्सिमम 25,000 मिलना है सर। वैसे टोटल मिला के 25,500 होता है पर मैक्सिमम कैपिंग मैंने आप पहले ही बोली सर 25,000 मिलेगी, तो ये डिडक्शन मिलेगा। अच्छा अब अपने माताजी पिताजी के लिए उसने 8,500 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्च किए, इंश्योरेंस कुछ नहीं लिया, 52,000 रुपए मेडिकल खर्च पर कर दिए, मैक्सिमम सर 50,000 खर्चा मिलेगा डिडक्शन, तो टोटल सर एसएससी को 75,000 रुपए का डिडक्शन यहां पर मिलेगा। अब आइए सर ई के केस में, अगेन इसके दोनों डिडक्शंस को एक साथ लेकर चलेंगे सर। ई की खुद की आयु 35 साल, इसके माताजी पिताजी की आयु 71 साल,
असेसी ने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खर्च नहीं किया, यहां पर भी कुछ नहीं है सर, यहां पर भी कुछ नहीं है, ना ही असेसी ने मेडिकल इंश्योरेंस पर कोई खर्चा किया, तो अगेन बोथ आर निल। पर असेसी ने 35,500 खुद के ऊपर और 1,45,000 अपने पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया। तो सर खुद के मेडिकल एक्सपेंडिचर पर तो कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि सीनियर सिटीजन नहीं है असेसी, लेकिन पेरेंट्स के लिए सर 50,000 रुपए का डिडक्शन असेसी को मिलेगा। मैं एक बात और यहां क्लियर कर देता हूं सर, मान लीजिए एक असेसी पेरेंट्स में माताजी पर 80,000 और पिताजी पर 50,000 खर्च करता है, तो वो कहता है सर मैंने तो दोनों पे खर्च किया ना, तो मेरे को सर दोनों का ही 50,000 मिले। नहीं सर, लॉ ये कह रहा है आपने पेरेंट्स पर जो खर्च किया है, चाहे माताजी चाहे पिताजी चाहे दोनों, मैक्सिमम आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मेडिकल एक्सपेंडिचर का मिलेगा, और वो भी तब जब आपने उनके लिए इंश्योरेंस नहीं लिया है या उन्होंने खुद के लिए इंश्योरेंस नहीं लिया। अगर इंश्योरेंस लिया है तो सर ये डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको इस उदाहरण से यहां पर आई होगी। अब देखिए सर, यहां पर मैं एचयूएफ से रिलेटेड कटौती की बात आपके साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने इंडिविजुअल का डिस्कशन किया, अब एचयूएफ कैसे कटौती लेगी ये भी आप बात समझिएगा। देखिए एचयूएफ को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का सर कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, जबकि एक इंडिविजुअल को मिल रहा था। इंश्योरेंस प्रीमियम, यदि प्रीमियम अथवा खर्चा वरिष्ठ नागरिक सदस्य से संबंधित है तो लॉ कहता है सर आप 50,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम तक का डिडक्शन ले लीजिए, और यदि मेडिकल एक्सपेंडिचर किया इंश्योरेंस नहीं किया तो आप 50,000 रुपए का मेडिकल एक्सपेंडिचर ले लीजिए, परंतु दोनों में से एक ही मिलेगा तो मैक्सिमम आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं यदि प्रीमियम या खर्चा गैर वरिष्ठ नागरिक से संबंधित है तो ऐसी परिस्थिति में सर आपको मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, मेडिकल खर्चा फिर आपको नहीं मिलने वाला, नेट आपको 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। अब लॉ में कुछ क्लैरिटी का अभाव है सर, तो मैं आपके साथ वो भी पॉइंट डिस्कस करता हूं कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल देर आर सम मेंबर्स हु आर सीनियर सिटीजन, सम आर नॉन सीनियर सिटीजन, तो मैं किस कैटेगरी में जाऊंगा? तो मेरा कहना है सर आप पहली कैटेगरी के अंदर खुद को रखिए और आप 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो टिल द लॉ डज नॉट प्रिवेंट मी आई कैन क्लेम अ बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन, दैट इज माय ओपिनियन। अब यहां पर सर मैं आपके साथ तीन और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न है, क्या एक से अधिक वर्ष का प्रीमियम एक साथ देने पर एटीडी में कटौती मिलेगी? तो सर लॉ में अब ये क्लैरिटी ले आए हैं, यदि आपने मान लीजिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी ली है जिसमें एक साथ 2 साल का प्रीमियम दे दिया, या मे भी अगर ज्यादा अलाउ कर रहे हैं ज्यादा कर दे दिया, तो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। यानी मान लीजिए मैंने मेरी फैमिली के लिए एक साथ 50,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम 2 साल के लिए पे कर दिया है, तो मुझे पहले साल में 25,000 और दूसरे साल में 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगला प्रश्न, क्या खर्चे अथवा इंश्योरेंस प्रीमियम नकद भुगतान करने पर भी छूट मिलेगी क्या? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और आप सब समझते हैं कि अब सरकार लगातार नकद खर्चों को रोक रही है, तो गवर्नमेंट ने केवल एक कैटेगरी पर ही सर कैश आपको अलाउ किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यदि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंसेस असेसी ने कैश मोड में किए हैं तो उसको एटीडी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, यह बात महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या मेडिकल खर्च एवं इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों की कटौती एक साथ ली जा सकती है क्या? तो सर मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है और यहां फिर क्लियर कर रहा हूं कि या तो आपको मेडिकल खर्च का डिडक्शन मिलेगा, वो भी कब, जब सीनियर सिटीजन असेसी है या पेरेंट सीनियर सिटीजन है, या इंश्योरेंस प्रीमियम, दोनों की कटौती एक साथ नहीं मिलेगी। और जिस तरीके की लॉ की लैंग्वेज है उससे लगता है यदि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया है तो आपको मेडिकल खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मैं इंश्योरेंस प्रीमियम दे चुका हूं पर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मेरा मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गया, पॉलिसी के कवरेज अमाउंट से ज्यादा मेरा मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो मैं क्यों मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम का डिडक्शन लूं? फिर मैं सीधे जाकर के क्यों ना वहां पर मेडिकल खर्चे का डिडक्शन लूं? मुझे लगता है सर हाँ हम क्लेम कर सकते हैं, यह भी एक इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है। तो अंत में सर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैंने जो सेक्शन 80DD, 80DD B का यहां पर डिस्कशन नहीं किया सर, मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो ला करके आपके सामने प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मैं यहीं अपने डिस्कशन को समाप्त करता हूं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।